हाय गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं दोस्तों रिसेंटली कॉर्वस ओएस का 5.0 का जो बिल्ड है उसे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था मेरे पोके फोन के अंदर, तो मेरे को इस तरह से इरोड मैसेज शो कर रहा है हमारे डिवाइस के ऊपर। दोस्तों इस तरह से इरोड 7 करके आ गया है जो कॉर्वस ओएस दोस्तों इंस्टॉल नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर बताया गया है हम जो बिल्ड को फ्लैश कर रहे हैं दोस्तों पुराना बिल्ड है, इसलिए हमारे डिवाइस के ऊपर ये जो बिल्ड है फ्लैश नहीं हो पा रहा है। नया बिल्ड के ऊपर दोस्तों फ्लैश नहीं हो पा रहा है। सो अगर आपके डिवाइस के ऊपर कुछ इस तरह से इरोड 7 मैसेज आ रहा है अपने डिकोडिंग के अंदर, आप किस तरह से उसे फिक्स कर सकते हो उसके बारे में वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जो फिक्स है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बोलता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। सो मेरे पास जो पोको F1 है दोस्तों वो MIUI के ऊपर रन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई साहब जो कॉर्वस ओएस का बिल्ड है उसे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं जो कॉर्वस ओएस से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा चलो भाई साहब जो कॉर्वस ओएस है उसके अंदर पोको F1 के अंदर इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिलता है, आपके लिए वीडियो भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गूगल है गूगल के अंदर एक्चुअली टेलीग्राम से 5.0 का लिंक लिया, उसके बाद हमको इंस्टॉल करना था अपने पोको F1 के अंदर। हमने ऑलरेडी जो बूटलॉडर है उसे अनलॉकिंग का वीडियो डाल दिया था। एंड यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास जो डिवाइस है उसके अंदर हमने कॉर्वस का 5.0 बिल्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। एक्चुअली कॉर्वस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो दोस्तों 10.5 है, जो कि दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिला है, वो हम इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं। उसके अंदर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू 5.0। एंड देखिए बारो हमारे डिवाइस के ऊपर दोस्तों TLO रिकॉर्डिंग का 3.5 वर्जन अवेलेबल है। तो हमने जब भी दोस्तों कॉर्वस ओएस को हमारे डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने की कोशिश की तो हमें ऑलवेज जो है इस तरह से इरर 7 मैसेज दिखा रहा है, जो डिवाइस है डिवाइस के अंदर कॉर्वस ओएस यहाँ पर फ्लैश नहीं हो रहा है। तो बात कर ले दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स किस तरह से करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है आपके रॉम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपके रॉम के साथ कोई इशू नहीं है, ये जो इशू है आपका TLO रिकवरी के साथ इशू है। तो इसको आप किस तरह से फ्लैश कर सकते हो, इसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो, कॉर्वस ओएस को किस तरह से इंस्टॉल कर पाओगे, पुराना बिल्ड हो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको TLO रिकवरी का जो ओल्ड वर्जन है, यहाँ पर हम TLO रिकवरी का जो ओल्ड वर्जन है सबसे पुराना जो वर्जन है दोस्तों 3.2 करके है, उसे हम फ्लैश कर रहे हैं अपने पोको F1 के अंदर। पहले 3.5 था उसे हम हटा के 3.2 को फ्लैश कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों हमारा जो फ्लैशिंग है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, हमारे डिवाइस के ऊपर जो कॉर्वस ओएस 5.0 फ्लैश हो जाएगा विदाउट एनी एरर। सो आपके सामने मैंने जो 3.2 है TLO रिकवरी का उसे हमने फ्लैश कर लिया अपने पोको F1 के अंदर। एंड जैसे देख पा रहे हो 3.2.3.0 है। एंड यहाँ पर जो कॉर्वस ओएस है सेम फाइल है TLO रिकवरी से हम फ्लैश कर रहे हैं, देख पा रहे हो विदाउट एनी एरर यहाँ पर फ्लैश हो जा रहा है। तो बहुत ईजी है। अगर आप दोस्तों आपके डिवाइस पर इरोड 7 आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आपका जो TLO रिकवरी है उसे डाउनग्रेड कर लीजिए एकदम पुराना वर्जन के अंदर, तो आपके डिवाइस के ऊपर दोस्तों जो पुराना रॉम है वो फ्लैश हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो होपफुली एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड कॉर्वस ओएस का जो वीडियो है जल्दी आने वाला है पोको F1 के लिए, देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर।